आइए पढ़ते हैं हम साइटोप्लाज्म के बारे में। अब तो व्हेन वी लुक एट द टेम्परेरी अमाउंट ऑफ ओनियन पील एज वेल एज ह्यूमन चीक सेल्स वी कैन सी ए लार्ज रीजन ऑफ ईच सेल एनक्लोज्ड बाय द सेल मेम्ब्रेन। आप चाहे ओनियन पील को देखो, चाहे आप एक ह्यूमन चीक सेल को देखो, है ना। ओनियन पील क्या है? प्लांट सेल है ना। और ह्यूमन चीक सेल्स क्या हैं? एनिमल सेल्स हैं। आप इन दोनों सेल्स में आप देखोगे कि जो सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर एक लार्ज रीजन है, और उसको आप देखोगे कि वो उसका जो कलर है, जब आप स्टेन करते हो तो उसका जो कलर है, दिस रीजन टेक्स अप वेरी लिटिल स्टेन, तो वो हल्का रहता है जब स्टेनिंग करने के बाद भी, है ना। उस रीजन को हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म क्या है? इट इज़ द फ्लड कंटेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड इट ऑल्सो कंटेन्स मैनी स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनल्स। सो सेल ऑर्गेनल्स आर कंपोनेंट्स ऑफ द सेल और पार्ट ऑफ द सेल। तो साइटोप्लाज्म इज द फ्लड कंटेंट ऑफ द सेल विच कंटेन्स मैनी सेल ऑर्गेनल्स। ईच ऑफ दीज ऑर्गेनल्स परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन फॉर द सेल। तो जो भी सेल ऑर्गेनल्स हैं उनका कोई ना कोई काम है, ये हम पहले से जानते हैं। सेल ऑर्गेनल्स आर एनक्लोज्ड बाय मेम्ब्रेन्स। तो जितनी भी सेल ऑर्गेनल्स हैं, है ना, वो मेम्ब्रेन से एनक्लोज्ड हमको मिलेंगी। इन प्रोकैरियोट्स बिसाइड्स द एब्सेंस ऑफ डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन द मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स आर ऑल्सो एब्सेंट। अगर आप प्रिमिटिव सेल्स को देखेंगे, यानी प्रोकैरियोट्स को देखेंगे, तो प्रोकैरियोट्स में, प्रोकैरियोट्स कौन है? प्रोकैरियोट्स वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके पास प्रोकैरियोटिक सेल होता है। प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है, ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके पास ऐसा सेल होता है, तो प्रोकैरियोट्स उनके लिए यूज़ किया जाता है टर्म, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, तो प्रोकैरियोट्स में आपको डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन नहीं मिलेगा। तो आपको क्या नहीं मिलेगा इसमें? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, MEMBRANE, ये आपको नहीं मिलेगा इसमें, ठीक है ना। इसके अलावा आपको मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स भी नहीं मिलेंगी प्रोकैरियोट्स में, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मिलेगी और आपको मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स भी मिलेंगी। तो ये पार्ट जो है हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। अब जो मेम्ब्रेन्स होती हैं इनका क्या काम है भाई? मेम्ब्रेन्स का काम होता है सेपरेशन करना सेल के कंपोनेंट्स का, ओके। तो मेम्ब्रेन्स का जो महत्व है, उसका जो सिग्निफिकेंस है, उसको हम बेहतर तरीके से समझ सकते हैं वायरस का एग्जांपल लेकर, ठीक है ना। वायरसेस के पास मेम्ब्रेन्स नहीं होती हैं, एंड इसी वजह से वायरस के पास अपनी जो लिविंग करेक्टरिस्टिक है वो जब तक नहीं आती जब तक कि वो किसी की सेल के अंदर वो प्रवेश ना करे, है ना। तो वो अपनी लाइफ की करेक्टरिस्टिक्स शो नहीं कर सकता अंटिल दे एंटर ए लिविंग बॉडी एंड यूज़ इट्स सेल मशीनरी टू मल्टीप्लाई। तो वायरस क्या करता है, जब बॉडी से बाहर रहता है तो डेड रहता है, लेकिन जब वो किसी सेल के अंदर एंटर होता है, तो कॉन्टैक्ट में आता है जब वो किसी सेल के, तो उसके अंदर एंटर करता है, और जब वो एंटर करता है तो वो लाइफ के लक्षण शो करने लगता है, बिकॉज वो उसको सेल को गाइड करता है अपने एंजाइम्स को बनाने के लिए, अपने जेनेटिक मटेरियल को बनाने के लिए, अपने प्रोटीन्स को बनाने के लिए, ठीक है ना। लेकिन वो अपने आप ऐसा नहीं कर सकता, तो वायरस रिक्वायर्स होस्ट, है ना, HOST सेल। होस्ट सेल मतलब वो सेल जो उसको मेज़बानी का मौका दे रहा है, मतलब उसको बुला रहा है, मेहमान नवाजी कर रहा है जिस, है ना। होस्ट कौन होता है? जो मेहमान को बुलाता है। तो मेहमान कौन है? वायरस। और होस्ट कौन हो सकता है? जैसे कि हमारा कोई सेल। तो ये हमें ध्यान रखना है, ओके। तो आगे वाला पार्ट पढ़ते हैं। अब हमारे पास ये क्वेश्चन आ जाता है, फिल इन द गैप्स इन द फॉलोइंग टेबल इलस्ट्रेटिंग डिफरेंसेस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल।
तो इसको करते हैं। सबसे पहले देखिए डिफरेंसेस क्या है। पहला डिफरेंस है प्रोकैरियोटिक सेल जो होते हैं दे आर स्मॉल एंड यूकैरियोटिक सेल्स आर लार्ज। सो व्हाट इज दिस, दिस इज माइक्रोमीटर। ओके माइक्रो, इसको ऐसे लिखते हैं माइक्रोमीटर। तो 1 माइक्रोमीटर बराबर 10^-6 मीटर। ओके तो 1 से 10 माइक्रोमीटर के होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, और यूकैरियोटिक सेल होते हैं 5 से लेके 100 माइक्रोमीटर तक के। अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है जो न्यूक्लियर रीजन होता है प्रोकैरियोटिक सेल में। वो आप ये देखो यूकैरियोटिक सेल में क्या लिखा है, वेल डिफाइंड। तो आप यहाँ क्या लिखोगे, नॉट डिफाइंड प्रॉपरली, ठीक है ना, नॉट डिफाइंड प्रॉपरली। तो न्यूक्लियर रीजन इज नॉट, इज लिख देना, इज नॉट डिफाइंड प्रॉपरली एंड नोन एज, क्या आंसर आ जाएगा एंड नोन एज में, आंसर आ जाएगा यहाँ न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड हम उसे न्यूक्लियोइड कहते हैं, ठीक है ना, जो हमने पिछले पार्ट में पढ़ा। जो क्रोमोसोम है प्रोकैरियोटिक सेल में वो सिंगल होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में जो क्रोमोसोम्स हैं वो एक से ज़्यादा होते हैं। तो जो क्रोमेटिन मटेरियल है जब वो डिवीज़न का टाइम आता है तो बहुत सारे क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो जाता है, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में ऐसा नहीं होता। तो लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर उसमें मेंटेन्ड रहता है। लास्ट पार्ट, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। तो हमें मेम्ब्रेन से बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं मिलेगा, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गॉल्जी एपरेटस हो गया, ये सब हमें देखने को नहीं मिलेंगे इसमें, लेकिन हमको यूकैरियोटिक सेल में ये सब देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट, ठीक है, बाकी सारा का सारा कंटेंट ऐसे ही रहेगा, बस ये एब्सेंट की जगह आप यहाँ क्या लगा दोगे, प्रेजेंट लगा दो। तो बस ये हमारा जो है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल वाला जो डिफरेंस है ये क्लियर हो जाता है इसके साथ ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे।